ओके तो हमारा सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी हमने ये डिस्कस करा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, कि जो बॉडी है वो रेस्ट पे रहती है। ओके, बॉडी रेस्ट पे, और जब बॉडी रेस्ट पे तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रही है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है कि बॉडी मूव कर रही है, लेकिन जब बॉडी मूव कर रही है ऐसा तो है नहीं कि उस पर फ्रिक्शन लगना बंद हो जाती है। तो फ्रिक्शन उस टाइम पर भी लग रही है, बट वो जो फ्रिक्शन होती है वो होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, और आपको पता ही है कि जो ग्राफ होता है, मान लो मैंने क्या करा कि एक एक्सटर्नल फोर्स लगा लिया, फ्रिक्शन का ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो एक टाइम तक ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये फ्रिक्शन है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री स्लोप रहता है, मतलब फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और फोर्स का मैग्नीट्यूड, जो एक्सटर्नल फोर्स है दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन ये कब तक होता है, एफ लिमिटिंग तक। लेकिन एफ लिमिटिंग से जब आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, वो एफ लिमिट से जब ज़्यादा हो जाती है तो ऑफकोर्स बॉडी स्टार्ट्स मूविंग। और बॉडी अगर मूव करना शुरू कर गई तो अब जो उस पर फ्रिक्शन लगेगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है। जब बॉडी चलना शुरू कर देती है तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगती है, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, आप ये देखेंगे ये थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे ग्राफ चलता है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना। अच्छा देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये जो है एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन के साथ केस नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग केस है इससे थोड़ा सा कम होता है। मतलब जब व्हेन बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, तो जो एफ लिमिट जो हमने बताई थी कि भाई इतनी मिनिमम फोर्स एक्सटर्नल प्रोवाइड करनी पड़ेगी या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे थोड़ी सी कम होती है हमारी काइनेटिक फ्रिक्शन, तभी बॉडी को एकदम फ्लो मिलता है चलने के लिए, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज म्यू के जो होता है वो म्यू एस से कम होता है। ये जो वैल्यू है एफ लिमिटिंग, इसकी वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन, और एफ के जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसकी होती है म्यू के इंटू एन। तो म्यू के म्यू एस से कम होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा कम होता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके, कि ग्राफ ऐसे दिखता है। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में तो डायरेक्ट स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन के ग्राफ से ही आपसे काफी ऐसा हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इट्स एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। काइनेटिक फ्रिक्शन की ये वैल्यू होती है म्यू के इनटू आर, मतलब यहाँ नॉर्मल फोर्स है। म्यू के जो है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, आर नॉर्मल रिएक्शन है। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की खुद की दो टाइप्स है। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, कि जब चीज़ें स्लाइड होकर, जैसे मान लो एक इंक्लाइन प्लेन ले रही है और इस पर बॉडी मूव करके आ रही है, तो स्लाइड होकर आ रही है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन को स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो जब चीज़ स्लाइड होकर आ रही है, मतलब रोल कुछ नहीं हो रहा, तो उसको हम बेसिकली वो वहाँ पर जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी, जिसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोल देंगे। और दूसरा है, मान लो यही इंक्लाइन प्लेन है और इस पर रोल होकर आ रही है, तो जब चीज़ें रोल होती हैं तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। आपको पता ही है कि चीज़ें रोल करना इजी होता है, वो इसलिए क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। इसलिए देयरफॉर इट इज ईजियर टू रोल अ बॉडी देन टू स्लाइड, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, ये भी हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है, मोशन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। रफ इंक्लाइन प्लेन मतलब ऑफकोर्स फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। तो अब देखो, आपने एक ब्लॉक बनाया, ब्लॉक अपने मास की वजह से ऐसे मूव करना शुरू करेगा, तो टेंडेंसी इधर मूव करने की है, तो ऑफ कोर्स हमारी जो फ्रिक्शन होगी यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, जो कि अब ऑपोजिट होगी ऐसे। तो यहाँ पे जो एफ के हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू ये आर नॉर्मल फोर्स, ठीक है, म्यू के इंटू आर। और यहाँ पे आप देख सकते हो आर क्या है, देखो चीजें ऐसे मूव कर रही है, न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाओगे, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। तो पहला अगर दो इक्वेशन बनाए, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ हो गया अलोंग दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग कोई मोशन नहीं हो रहा, तो यहाँ न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो बैलेंस करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से हम बोलते हैं आर इज इक्वल टू, क्योंकि हमने यहाँ पे एम जी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक एम जी साइन थीटा, एक एम जी कॉस थीटा। ये आप बेसिक क्लास में इलेवेंथ में आपने ये पढ़ा ही है कि ये कैसे करा जाता है, ठीक है। तो आर यहाँ पे एम जी कॉस थीटा हो गया, और ये जब हम इस पर लगाते हैं तो ये हमारी नेट फोर्स होगी, एफ जो है नेट फोर्स होगी, जिसको हम एम इंटू ए लिख देते हैं, ठीक है। एक्सेलेशन डाउन द इंक्लाइन हो रहा है। एफ के की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, म्यू के इंटू एन, अगर बॉडी मूव कर रही है,
अगर बॉडी मूव कर रही है तो म्यूकी इनटू एन होगी, अगर बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रेस्ट पे है तो वहां पे फिर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो उस केस में वो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, वो लिमिटिंग वैल्यू अपनी पहुंचे कि नहीं हमें नहीं पता, बट फिर उस केस में अगर वो रुका हुआ तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। लेकिन ये म्यू एस इंटू एन है, ये हम नहीं बोल सकते अभी कि वो अपनी कि एम जी साइन थीटा है लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल, ये नहीं बोल सकते हम। इक्विलिब्रियम में मतलब बैलेंस्ड है फोर्सेस, ठीक है, अगर ये रुका हुआ है, अगर ये रुका हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे हमारा ब्लॉक, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, अभी देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन देन डिफरेंट फोर्सेस एक्ट ऑन इट, लाइक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगी, डिफरेंट रिलेशंस आपने यहाँ पढ़ी लिया कि दो इक्वेशंस बनानी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। देखो ये भी हमने क्लास में डिस्कस ऑलरेडी करा हुआ है कि दो बॉडीज है, आपने यहाँ पे फोर्स लगाई तो आपने तो इस पे फोर्स लगाई है, लेकिन आप दोनों ब्लॉक आगे जाते हैं, अगर ये M1 M2 तो दोनों ब्लॉक आगे जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन है कि M1 M2 पे धक्का मारता है और वो जो फोर्स है उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। M1 M2 पे R लगाता है तो M2 भी M1 पे R लगाएगा और ये हमारी F होगी। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएगी, F माइनस R इज इक्वल टू M1A, F माइनस R इज इक्वल टू M1A, और यहाँ से ये हो जाएगा R इज इक्वल टू M2A, ठीक है। तो यहाँ पे आप R की वैल्यू इस पे पुट करेंगे तो यहाँ से आपका फोर्स आ जाएगा। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो एक्सटर्नल हमारा जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो एक्सटर्नल फोर्स पे वर्क करता है ना, तो इस पूरे को एक सिस्टम माने तो एक्सटर्नल फोर्स के F, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, F नेट डिवाइड बाय टोटल मास। तो यहाँ पे ये देखो ये R जो है ये इंटरनल फोर्सेज है, यहाँ पे अगर मैं इसको पूरे को सिस्टम मान रही हूँ, ठीक है। तो F एक्सटर्नल फोर्स है, F डिवाइड बाय टोटल मास विच इज M1 प्लस M2, तो इधर से भी आपकी एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ जाएगी अगर आपको निकालना है, ठीक है। और अगर R निकालना चाह रहे हैं इस फॉर्मूले से देख ही सकते हैं, R क्या M2 इंटू ए, तो M2 इंटू F डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो ऐसे शॉर्टकट तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई ओवरऑल एक सिस्टम मान लो निकाल दो, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। जो हमने यहाँ पे लिख रखा है ये जो कॉन्टेक्ट फोर्स ऑन M2 है बेसिकली ये है बेसिकली नेट फोर्स ऑन M2, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन M1, ये है नेट फोर्स ऑन M1। ये जो R है यहाँ पे R, ये तो M2 इंटू A ही रहेगा, ये तो M2 इंटू A ही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा आप करेक्ट कर सकते हो, यहाँ इसको लिख देते हैं नेट फोर्स ऑन M1, ठीक है। ये नेट फोर्स ऑन M1 है कि नेट जो फोर्स है हमारी M1 पे वो क्या है, M1 इंटू A है, ठीक है। और जो नेट फोर्स हमारी इस पर लग रही है, इंडिविजुअल फोर्स इस पर लग रही है वो इतनी है M2 इंटू A, ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉन्टैक्ट मतलब ये इसका ये मतलब नहीं है कि R की वैल्यू M1 A हो जाएगी, नो, R की वैल्यू M2, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये इक्वल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो आप, यहाँ है नेट फोर्स ऑन M1, ठीक है। नेक्स्ट है थ्री बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, मान लो थ्री बॉडीज है M1 M2 M3, ठीक है। अब हमें पता है कि ये तीनों बॉडीज है, मैंने बना दिया, यहाँ पर ये नेट फोर्स है, नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एफ डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। और इंडिविजुअल अगर एफ बी डी बनाया जाए तो ये अगर एफ है तो ये एफ वन हमारा, ये एम टू जो हो जाएगा इस पे एफ वन इधर एफ टू इधर, और ये हो जाएगा ये एफ टू एफ थ्री, ठीक है। तो हाँ ये सही लिखा है यहाँ पे कि M1 M2 के बीच पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, देखो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है कि वो F1 है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2 वो F1 है, वो हो गया। यहाँ इसको आप करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे तीन इक्वेशंस बनेंगी कि F माइनस F1 इज इक्वल टू M1 इंटू A। फिर यहाँ पे क्योंकि बॉडी हम ले रहे हैं कि आगे इस तरफ एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M2 इंटू A। अच्छा इधर F3 इसलिए नहीं रिक्वायर्ड है क्योंकि F3 तो है ही नहीं, आगे से कोई आ ही नहीं रहा, तो और F2 क्या हो जाएगा M3 इंटू A, ठीक है। तो आप इन जब इसको इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको F1 ये मिलेगा और F2 ये मिल जाएगा, ये हम ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। बस आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, आपको न्यूटन लॉ लगाना आना चाहिए, न्यूटन का सेकेंड लॉ आप लगाएंगे आपको इजीली ये समझ आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस एफबीडीज बना के कैसे करने हैं, ठीक है। थर्ड नेक्स्ट है मोशन ऑफ टू बॉडीज वन रेस्टिंग ऑन द अदर।
देखो कोफिशियंट दे रखा है हमें ए और बी के बीच में, म्यू कोफिशियंट दे रखा है, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द लोअर बॉडी ए देन कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज। अगर ये दोनों हमें दिया है कि ये दोनों साथ में जा रहे हैं, ठीक है, ये दोनों साथ में जा रहे हैं, अगर स्मूथ, ये नीचे वाला हमें दे रखा है स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और ये दोनों बॉडीज साथ में जा रही है, ये दोनों बॉडीज आगे साथ में जा रही हैं, तो ऑफ कोर्स जो ये हमारी जो नेट फोर्स होगी यहाँ पे, ये नेट फोर्स ये क्या होगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैपिटल एफ डिवाइड बाय एम प्लस एम, ये हमारी नेट फोर्स हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे शूडो फोर्स का भी हमने कनेक्शन ले रखा है, आप शूडो फोर्स से सॉल्व करना चाहो तो आप शूडो फोर्स से कर सकते हो, वरना ऐसी चीज़ों में आप ऐसे लगा सकते हो कि आपने ये लिया ये लिया, बॉडी साथ में जा रही है ना, तो आप एम लो ये एफ लो, ये एफ ले लिया आपने, ठीक है ठीक है, इस पे अगर फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, बॉडी आगे की चले हुए, तो सिर्फ स्मॉल एम होगा, इस पे फ्रिक्शन क्या होगी आगे की तरफ, ठीक है, इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ होगी। अब इधर क्या बना लोगे, एफ माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए एंड एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो आप ये अप्रोच भी लोगे और ऐड कर दोगे तो यहां से उतना ही आएगा, ये हमारा एक्सेलरेशन उतना ही आ जाएगा, ठीक है, यहां से सीधा एक्सेलरेशन आप ऐसे निकाल देंगे और ये आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है शूडो फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक बी ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन, तो वो क्या हो जाएगा एम इंटू ए। अब देखो शूडो फोर्स क्यों लगानी पड़ती है, अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लूँ ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो शूडो फोर्स लगानी पड़ती है, और वो शूडो फोर्स क्या होता है उसका माइनस एम इंटू ए नॉट। एम क्या होता है जिस पे शूडो फोर्स लगा रहे हो, ए नॉट क्या होता है जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप देख रहे हो, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप देख रहे हो चीजें, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हो उसका एक्सेलरेशन होता है, और माइनस एम क्या हो गया यहाँ पे, ये माइनस मतलब कि उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी शूडो फोर्स लगती है, तो ए नॉट क्या होगा, ए नॉट क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप चीजें देख रहे हो। जैसे इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कार है, ये एक बॉब है, ठीक है, अब कार क्या है आगे की तरफ जा रही है ए नॉट उससे, ठीक है, अब इस कार में कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो वो भी कार के साथ ए नॉट स्पीड में ही आगे, ए नॉट एक्सेलरेशन में आगे जा रहा है। अगर मैं इस बंदे के रिस्पेक्ट में अब देखूंगी इस बॉब को, ठीक है, तो क्योंकि हमारा बंदा भी ए नॉट एक्सेलरेशन में जा रहा है, तो अगर मुझे इस बॉब पे शूडो फोर्स लगानी है तो ये पीछे की तरफ लगेगी, ठीक है, ये पीछे की तरफ लगेगी, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा एफ, जो शूडो फोर्स होगी वो होगी माइनस एम, एम है मास ऑफ बॉब इंटू ए नॉट, ए नॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस कार, ठीक है। तो ऐसे हम शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा के चीजें थोड़ी समझ सकते हैं, कभी कभी चीजें बहुत ईजी हो जाती है अगर आप शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाते हो, ठीक है। अब देखिए हम इस सिनेरियो को दोनों उससे एक बार डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो अगर ये दोनों बॉडी साथ में जा रही है तो एक्सेलरेशन हमारी ये आ गई, अगर मुझे लिमिट लगानी है, पहली बात ये हमने एक्सेलरेशन निकाल दी, हमें पता है कि यहाँ पर बॉडी साथ साथ जा रही है, ठीक है, यहाँ पर बॉडीज साथ साथ जा रही है, तो यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है म्यू एस इंटू, ये हमारी होती है यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे ये जो एफ है, एफ जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो क्या होगा एम टू इंटू ए, क्योंकि यही तो उसको आगे लेके जा रही है ऊपर वाले मास को, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि स्मॉल एम, लाइक स्मॉल एम इंटू ए, ये जो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन है इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, तो इधर से ये कट के आ गया ए इज लेस देन म्यू एस इंटू जी, तो यहाँ पे ये लिमिट आ गई कि भाई एक्सेलरेशन इससे लेस होनी चाहिए, ये वाली जो एक्सेलरेशन है इससे लेस होनी चाहिए तभी स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगी, वरना फिर क्या होगा इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। अभी रिलेटिव मोशन नहीं है ना, अभी दोनों सेम एक्सेलरेशन में जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसी सिनेरियो को शूडो फोर्स से डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो सेम चीज है, अभी हमने शूडो फोर्स से भी यही डिस्कस करा था ना कि ये आएगा, अब ये कैसे आया, वैसे नॉर्मल एफबीडीज बनाई तो ये आया एक्सेलरेशन, क्या शूडो फोर्स से भी आएगा,
यहाँ पे एक चीज करेक्ट करनी है, अभी मैंने आपको बताया कि शूडो फोर्स जो होती है, बेसिकली शूडो फोर्स जो होती है वो माइनस एम इंटू ए नॉट होती है, राइट। अब क्या हुआ, मान लो ऑब्जर्वर जो है वो इधर बैठा है, ठीक है, ऑब्जर्वर इधर बैठा है, ये आगे ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये ब्लॉक आगे ए एक्सेलरेशन जा रहा है, तो ऑब्जर्वर भी ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। अगर ये ऊपर वाली चीज को देखता है तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है, क्योंकि वो भी ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, तो इसको तो ये ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट पे दिखाई देगा। अगर इसको ये ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट पे दिखाई दे रहा है तो क्या दिक्कत है अब यहाँ पे, यहाँ अभी नॉन एक्स, पहली बात तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है न्यूटन लॉ में, अभी हम देखते हैं। देखो ऊपर वाले को दिख रहा है कि ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, लेकिन हमको पता है जब हमने एफबीडी बनाया है ये एफ है कि फ्रिक्शनल फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि इस ब्लॉक को आगे की तरफ लेके जानी चाहिए, मतलब फोर्स है, देखो फोर्स है और फिर भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। नेट फोर्स है हमारे ऊपर वाले ब्लॉक पे, नेट फोर्स और फिर भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो गई, मतलब न्यूटन लॉ वैलिड ही नहीं है, है ना, कुछ दिक्कत है। मतलब यहाँ पे वो यही दिक्कत है, क्योंकि हम न्यूटन लॉ लगाने की कोशिश कर रहे हैं किस शूडो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब सॉरी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि जो ऑब्जर्वर देख रहा है, बाहर से कोई ऑब्जर्वर देखे उसको दिखेगा ये ब्लॉक भी आगे ए एफ से जा रहा है, लेकिन अंदर से इस ब्लॉक पे कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसको ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट पे दिखेगा, लेकिन फोर्स है, फोर्स है तो ब्लॉक रेस्ट पे कैसे रह सकता है। हाँ नेट फोर्स है फिर भी ब्लॉक रेस्ट पे, क्यों, क्योंकि तो न्यूटन लॉ वैलिड नहीं हुआ ना, और न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है तो प्रॉब्लम, न्यूटन लॉ सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होता है, ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है। तो अब इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने शूडो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट बना रखा है कि हम एक शूडो फोर्स लगा देते हैं ताकि चीजें समझ आने लग जाए। तो आप क्या करते हो, ऊपर वाले ब्लॉक पे पीछे की तरफ एक शूडो फोर्स बना देंगे, यहाँ पे करेक्शन है, ये जो शूडो फोर्स है ये पीछे की तरफ है, ठीक है। अब आप इस फोर्स को और इस फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं, इस फोर्स और इस फोर्स को आप बैलेंस कर सकते हैं, और बेसिकली एफ है ये एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो हमने लिमिट को रीच करी है कि नहीं हम कुछ नहीं बता सकते, हमें बस इतना पता है कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल्स टू एम है, ठीक है। बट इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं दैट दिस वैल्यू शुड बी लेस देन, क्योंकि स्टैटिक है, क्योंकि बॉडी साथ में जा रही है तो कोई रिलेटिव मोशन है नहीं, बॉडी साथ में जा रही है ना, नो रिलेटिव मोशन, तो म्यू एस इंटू एन, बट देर इज अ टेंडेंसी टू ऑफ रिलेटिव मोशन, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इसको आपने क्या लिखा, एफ इज लेस देन म्यू एस इंटू एन, और ये एम है लेस देन म्यू एस इंटू एन, तो ए क्या हो गया, लेस देन ये एम जी हो गया यहाँ पे, तो ए आ गया लेस देन म्यू जी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप नॉर्मल न्यूटन लॉ लगाते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सोल्यूशन करते हैं, तो भी सेम ही रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है पुल्ली मास सिस्टम। अब आपने क्या करा, ये इसको हम एटवुड मशीन भी बोल देते हैं, यहाँ पे जो हम पुली लेते हैं मासलेस है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, और ये भी मासलेस है, ठीक है। तो ये भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें जो नेट एक्सेलरेशन आती है आपको पता ही है, एम वन माइनस एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू इंटू जी, अगर एक्सेलरेशन इस साइड है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है उसको पॉजिटिव रखना है, ये ऊपर जा रहा है, देखो ये है ना m1, ये नीचे जा रहा है, ठीक है, तो m1 यहाँ पे रखा आपने, m2 ऊपर जा रहा है, माइनस कर दिया उसको, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है हमारी। जो बॉडी नीचे जा रही है उसको पॉजिटिव रखना है, और दूसरी वाली बॉडी का जो साइन है वो नेगेटिव रखना है, और ये आप देख सकते हो, ये भी ऐसे करेगा कि टेंशन या इंटरनल फोर्सेज है, और इसको अगर आपने पूरा सिस्टम लिया तो ये दोनों यहाँ पे नेट फोर्सेस है, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन, तो m1 माइनस m2 डिवाइड बाय टोटल मास। इसी तरह इस आपने दो इंडिविजुअल अगर आप यहाँ पे इसका एफ बी डी बनाएंगे, इसका एफ बी डी बनाएंगे एम वन जी टी, और m2 का एफ बी डी बनाएंगे एम टू जी टी, ठीक है, फिर इधर से क्या लिखेंगे, क्योंकि इधर जा रहा है तो एम वन जी माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए, और ये ऊपर जा रहा है तो t माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम टू ए, ठीक है। तो इधर से एक्सेलेशन की वैल्यू आपने निकाल दी, आप पुट कर देंगे तो आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनटू g, और ये तो टिपिकल है, इन दोनों इक्वेशंस को आपको बेसिकली ये जो फॉर्मूले थे ये तो याद रहने ही चाहिए,
ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूले है जो सबको याद रहने ही चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप देख लो कि M2 अगर हम बिठा देते हैं और M1 को ऐसे हवा में लटका दिया हमने, तो यहाँ पे ये M1 जी ये T और इधर कुछ फ्रिक्शन विक्शन है नहीं, तो M1 जी माइनस T इज इक्वल टू M1 है, ये एक इक्वेशन ये बनेगी और इधर इक्वेशन क्योंकि टेंशन इसको आगे लेके जा रही है तो टेंशन इज इक्वल टू M2 इंटू A। ठीक है, तो इधर से आप इसको एलिमिनेट कर देंगे टी को, तो सिंपल आप देख सकते हो ए क्या हो गया एम वन जी डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसको अगर मैं सिस्टम मानूं तो नेट फोर्स, टेंशन तो इंटरनल फोर्सेस है, तो नेट फोर्स क्या है यहाँ पे एम वन जी ही है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा एफ नेट डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे एम वन जी डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। और अगेन इन इक्वेशंस को यूज़ करके आप यहाँ टेंशन को यहाँ पे आप पुट कर देंगे यहाँ पे, तो M2 M1 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला, सिंपल FVDs बनाइए और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू बॉडीज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल मास m इन फिगर, और यहाँ पे रखा है M1 इज ग्रेटर देन M2, तो ऑफकोर्स M1 इज ग्रेटर देन M2 है तो इधर एक्सेलरेशन होगी। अगेन आपको यहाँ दिख रहा है, देखो ये सारा इंटरनल फोर्सेस है, एक्सेलरेशन नेट क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन नेट क्या होनी चाहिए, ये इस डायरेक्शन में ये ऊपर जा रहा है तो क्या होना चाहिए एम वन माइनस एम टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू इंटू जी, यही आएगी हमारी नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, और टेंशन इस ऑफकोर्स ये एक स्ट्रिंग है ये एक स्ट्रिंग है तो दोनों की हमने टेंशन यहाँ पे अलग अलग इसलिए ली है, तो तीन इक्वेशन बनेंगे, एक तो ये बना दिया, फिर दूसरा ये बना दिया कि भाई टी टू माइनस एम टू जी ऊपर जा रहा है और इस ब्लॉक की क्योंकि आगे जा रहा है तो टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू एम एम ए। और आप यहाँ देख ही सकते कि इसको आप ऐड करेंगे इन तीन इक्वेशंस को आप, अच्छा सॉरी यहाँ पे टोटल मास ये है ना एम बी आएगा क्योंकि एम बी मूव कर रहा है नीचे की तरफ तो ये कैपिटल एम आ जाएगा, तो आप इनको ऐड भी करेंगे तो आप देख सकते हैं टी वन टी टू ये सब कट जाएगा क्योंकि इंटरनल फोर्सेज है, तो एम वन जी माइनस एम टू जी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम, तो इधर से आपका डायरेक्ट डायरेक्ट निकल सकते हैं। इक्वेशंस बनाओ और वरना सीधा कॉन्सेप्ट लगाओ कि नेट फोर्स ये है और मासेस ये हैं, तो ए नेट डायरेक्ट निकाल दिया आपने। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें, और ये आपको कोई भी आप एंट्रेंस देंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट की एफवीडीज कैसे बना के जल्दी जल्दी इक्वेशंस बनाते हैं ये यूज कर सकते हो आप। इधर से अच्छा ये एक्सेलरेशन आ गई, टेंशन टी वन टी टू या एक्सेल लिख रखा है ना हमने, एक्सेलरेशन निकाली थी अभी, ये एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला टी वन टी टू का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट है मोशन ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन। एक रफ इंक्लाइन प्लेन ले, अगर हमने रफ इंक्लाइन प्लेन ले लिया, देखो यहाँ पे ये टेंशन एम वन जी, इधर क्या हो जाएगा एम टू जी साइन थीटा, ये लेकिन रफ इंक्लाइन प्लेन है तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी होगी। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स पहले देखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कैसे देखेंगे आप कि मोशन कहाँ हो रहा है। अगर ये M1, देखो ये वाली जो फोर्स है M1G और इधर जो नेट फोर्स है, इधर की तरफ फोर्स क्या है M1G, नेट फोर्स, ये TT तो इंटरनल फोर्स है, इधर एक्सटर्नल फोर्स क्या है M2G साइन थीटा। अगर M1G M2G साइन थीटा से ज़्यादा होता है ना तो ऑफकोर्स एक्सेलेशन इस डायरेक्शन में होगी, और एक्सेलेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर ऊपर जा रही है, रिलेटिव मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। ठीक है, अगर इसी केस में ये वाली चीज़ इससे बड़ी होती तो बॉडी इस इधर आ रही होती तो उस केस में आप फ्रिक्शन पीछे बनाते, तो इस चीज़ को आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी बॉडी का, मतलब यहाँ पे आप सीधा देख लो इधर से कि नेट 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 फोर्स जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मोशन की कैपेबिलिटी है ना, और वहीं से आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन दिखाएंगे। ठीक है, इधर आप अगर दो इक्वेशन बनाना चाहें एफ बी डी से, अगर ओवरऑल सिस्टम का ना करके ओवरऑल सिस्टम लोगे तो इंटरनल फोर्सेस जीरो कर दोगे, लेकिन अगर सिर्फ M1 एज ए सिस्टम लोगे तो वहाँ पे T1 आपको फिर ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A, और इसका बनाएंगे तो ये T हो गया, अभी हमने डिस्कस करा था क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ T माइनस M2G, अच्छा सॉरी यहाँ पे दे रखा है स्मूथ। ठीक है, अगर ये स्मूथ है तो ऑफकोर्स आपको फ्रिक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यही मैं रफ इंक्लाइन प्लेन आ जाएगा तो वहां पे जो अभी हमने डिस्कशन करी है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा इस केस में जब आप ये दो इक्वेशन यूज करके सॉल्व करेंगे तो आपका एक्सेलरेशन ये आ जाएगा, आप देख ही सकते हो ये कैसे आया है। नेट फोर्स क्या होगी, m1g माइनस m2g साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सीधा सीधा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है, ओके। और इसी इन इक्वेशंस में ये एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे से जो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो सॉरी टेंशन की वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी। मोशन ऑफ टू बॉडीज प्लेस्ड ऑन टू इंक्लाइन प्लेन्स, अगेन ये किस डायरेक्शन में जाएगा वो किससे पता चलेगा, ये फोर्स और इस फोर्स से। तो अगर m1g साइन थीटा 1 ग्रेटर देन m2g साइन थीटा 2 से होगा तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और अगर ये वाली m2g साइन थीटा 2 इससे बड़ा होता तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो उसी से ही अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है तो सिंपल आपको फ्रिक्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप टेंशन ये बनाओ टेंशन फोर्सेस। लेकिन अगर आपको स्मूथ ना देखे वो, अगर आपको रफ इंक्लाइन प्लेन दे रखा है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगी इस फॉर दिस मास, और क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो इसके लिए इधर आएगी, ठीक है। अगेन अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी तो फ्रिक्शन इस मास के लिए इस डायरेक्शन में होगी, और क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में होगी। तो आप ऐसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको बनानी आनी चाहिए, ओके। ये एक्सेलरेशन होगा, खैर ये स्मूथ है तो हमने डायरेक्ट देखो ये हमारी नेट फोर्स होगी m1g sin theta 1 माइनस m2g sin theta 2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और इक्वेशन यूज करके आप टेंशन निकाल सकते हो, बहुत बेसिक है। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट फ्रेम, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई जो बेसिक न्यूटन के लॉज लगा रहे थे, अब क्या है डिफरेंट कोऑर्डिनेट, ये भी इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट फ्रेम्स में जो हम वेलोसिटी, और इसके भी हमने क्वेश्चंस काफ़ी डिस्कस करे हैं अपनी क्लास में कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ, मान लो कि अभी एक चीज़ को हम कभी कभार ऐसी चीज़ें होती है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आप सॉल्व करते हैं लेकिन वही चीज़ को अगर आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करेंगे तो आपको वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सेलरेशंस क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैम के लिए। तो अभी हम इसकी डेरिवेशन भी करेंगे, ये हमने डिटेल में क्लास में डिस्कस कर लिया है, अभी हम जस्ट इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। जैसे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, पोजिशन वैक्टर क्या होता है, वैक्टर फ्रॉम सम पॉइंट, आपने एक ओरिजिन ले लिया वहाँ से आपने ये पॉइंट बना दिया पी एक्स वाई जी, ठीक है। ये आर हो गया, आपको पता ही है ये क्या होता है, एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। ये एक्स कैप वाई कैप जेड कैप भी लिख सकते हैं, वरना मतलब आपको पता है आई कैप जी कैप में भी हम लिख देते हैं, ठीक है ना। अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखते हो तो आपको ऐसे भी मिल जाएंगे आई कैप जी कैप के कैप, बट जब हम बड़ी क्लासेस में आते हैं तो एक्चुअली ऐसे ज़्यादा लिखा जाता है, ठीक है, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, क्योंकि डिफरेंट कोऑर्डिनेट फ्रेम में फिर उसी को हम आर कैप कर देते हैं, थीटा कैप कर देते हैं, तो वो काफ़ी यूजफुल चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, ये कार्टेशियन में हो गया हमारा पोजिशन वैक्टर, ठीक है। अभी ये पोजिशन वैक्टर करा, सिलेंड्रिकल में पोजिशन वैक्टर क्या होगा, ये सिलेंड्रिकल ले लिया हमने, सिलेंड्रिकल में क्या होगा, जैसे सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का रेडियस कांस्टेंट रहता है ना, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया एस, ठीक है, रेडियस कांस्टेंट रहता है एस, ओके। और ये जेड, ये जो हाइट है जेड, तो मतलब कोई भी पॉइंट लेते हो आप, कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसका इधर से ये जो अगर ये सिलेंडर का एक्सिस है उससे उस पॉइंट का जो बेसिकली रेडियस है, ठीक है, वो एस हो गया ना, वो थ्रू आउट सेम रहता है, तो वो जो ये जो पॉइंट है ये एस हो गया, और ये जो हाइट है, जो हाइट है ये हमने क्या ले ली, जेड, ठीक है। तो इससे आप एक्स वाई जी तीनों निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जी, इसमें तो खैर हमने टू कोऑर्डिनेट्स, देखो एक्स वाई जी डिस्कस करते हैं, अगर ये जेड है और अगर ये ओरिजिन है और मैंने ऐसे बना दी, ठीक है, ये जेड बना दिया ऐसे, ठीक है, 3D में अगर हम डिस्कस करें, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। तो इस एस को अगर मैं, अगर देखो ये सिलेंडर है, ये कुछ भी पॉइंट हुआ, ये हमारी क्या होगी, रेडियस, उसको अगर मैं उसकी शेडो बनाऊंगी एक्स वाई एक्सिस में तो वो ऐसी शेडो बनेगी, राइट। या आप इमेजिन कर सकते, कोई भी सिलेंडर ले लिया, उस पर आपने कोई पॉइंट ले लिया, आपने वो एक्सिस ली, उससे जेड जेड बना, मतलब ये उसका वो हो गया रेडियस ऑफ, नीचे जो सर्कल है उसकी शेडो बनाएंगे तो वो ऐसे कुछ शेडो बनेगी।
तो उस शैडो को आप कंपोनेंट लेते हैं अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट लोगे इस शैडो का, अच्छा ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है इसको हमने फाई ले रखा है यहाँ, ठीक है। तो एक्स का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिस एस कॉस रो, और वाई जो हो जाएगा ये हम देख ही सकते हैं वो क्या हो जाएगा, एस साइन रो, ठीक है। तो अगर मैं कन्वर्जन करना चाहूँ देखो सिलेंड्रिकल अगर मुझे लिखना है तो जैसे हम उसमें लिखते थे ना एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप, मतलब एक्स मैग्नीट्यूड और एक्स कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाली डायरेक्शन, ठीक है। तो इधर भी ऐसे ही होगा, अगर मैं उस कोऑर्डिनेट फ्रेम में लिखना चाहती हूँ तो आप सिंपल ऐसे लिखेंगे आर आर वेक्टर इज इक्वल टू ये जो एस है ना एस एस इंटू एस कैप, ठीक है, एस इंटू एस कैप प्लस जेड इंटू जेड कैप, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड, ये जो आगे वाली चीज है मैग्नीट्यूड, जैसे हमने उस सिलेंडर जो हमारा जो नॉर्मल कार्टिजन होता है उसमें हम लिखते हैं ना आर इज इक्वल टू एक्स एक्स कैप प्लस, डिस्क्राइब करते हैं इस इन तीन कंपोनेंट में उसको डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे ही अगर मैं सिलेंड्रिकल में लिखूंगी तो मैं जेड जेड और एस के थ्रू डिस्क्राइब कर दूंगी उस पोजिशन को, इस इन दोनों चीजों से मुझे उसकी पोजिशन का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे है कि अब कार्टिजन से रिलेट करना है, कार्टिजन से रिलेट करना है तो ऑफकोर्स शैडो बनाई एक्स और वाई के अलोंग कॉम्पोनेंट लगा दिए। तो आपको ये यहाँ पे देखो अगर मैं एस कैप की बात करूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन की बात करूँ, जिस डायरेक्शन में एस है उस डायरेक्शन की बात करूँ, उस यूनिट वैक्टर की बात करूँ, तो वो आपको दिख ही रहा है। इसको मैंने शेडो बनाई और एस आगे ये है ना हमारा वैक्टर, तो इसके कॉम्पोनेंट बनेंगे तो दो कॉम्पोनेंट बनेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस वेक्टर लेना चाहूँ तो वो एस इंटू कॉस फाई एक्स कैप प्लस एस साइन फाई वाई कैप, तो एस वेक्टर डिवाइड बाय एस कर दोगे तो एस कैप आ जाएगा, तो एस कैप आ गया हमारा कॉस फाई एक्स कैप प्लस साइन फाई वाई कैप, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह हमारा ये जो वेक्टर एक तो ये हो गया ये वेक्टर, ठीक है। ये जो एंगल है नीचे से जो आप एंगल डिस्क्राइब कर रहे हो थ्रू एक्स, ये जो शेडो है एस की उसका जो एंगल है अगर आप उसको डिस्क्राइब करेंगे ना तो वो जो एंगल है वो ऐसे परपेंडिकुलर होगा बाहर की तरफ, ये परपेंडिकुलर, उसको हम बोल देंगे फाई वेक्टर, ठीक है। जो ये हमने एंगल बनाया ना विद एक्स एक्सिस इस एस शेडो का वो क्या हो जाएगा फाई वेक्टर, और जो जेड एक्सिस के अलोंग है वो जेड वेक्टर, ठीक है। तो अगर आप फाइव वेक्टर को अगेन जैसे हमने एस को लिखा फाइव वेक्टर को लिखेंगे तो वो ये आएगा माइनस साइन, आप देख ही सकते हैं कि एस से वो परपेंडिकुलर है तो ये वेक्टर्स एक्चुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो फाइव वेक्टर क्या आ जाएगा माइनस साइन फाइव एक्स एक्स, मतलब ये कार्टिजन में हमने लिख रखा है, और जेड का तो जेड कैप के अलोंग डिस्क्राइब करेंगे। तो ये तीन हमारे ये हो गए कि ये जो यूनिट वैक्टर्स हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा पूरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें इन तीनों का डिस्क्रिप्शन है इन टर्म्स ऑफ कार्टिजन कोऑर्डिनेट, ठीक है। और आर वेक्टर को आप ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। अब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें अगर हम, तो आपने देखो अगर वैसे आपको पता है हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं लोअर क्लासेस में, तो उसमें हम अगर देखो पोलर एक टू डायमेंशन में बात करते थे तो ये आर होता था, तो एक्स को ऐसे हम लिख देते थे एक्स वाई, तो एक्स क्या हो गया आर कॉस थीटा, y क्या हो गया इंटू एक्स कैप हो गया, और y क्या हो गया r साइन थीटा y कैप, और उसमें जो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स थे वो r और थीटा लेते थे, है ना। अब स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम 3D में चले गए, ठीक है। अब 3D में जब जाएंगे हम तो कोई भी पॉइंट मुझे मान लो स्फीयर है उस पर कोई भी पॉइंट दिखाना है, ठीक है, r वेक्टर, ठीक है। तो एक तो डायरेक्शन होगी अलोंग दिस r, ठीक है, एक अलोंग दिस r होगी, तो एक एक यहां में हमने यहां तीन उसमें दिखाते हैं आर थीटा फाइव, ठीक है, आर थीटा फाइव तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। आर के डायरेक्शन में आर वेक्टर आर कैप हो जाएगा, एक है थीटा, आपने जो जेड एक्सिस है ये कोई भी पॉइंट ले लिया आपने, जेड एक्सिस के साथ जो वो पॉइंट एंगल बनाता है, ठीक है, वो है थीटा कैप, और उसके डायरेक्शन वो इस देखो अगर ये पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इस ऐसे उसका वेक्टर होगा, तो वो बेसिकली हमारा जो आर ये सारे ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे से, अगर ये आर है ये आ रहा है तो ये थीटा इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और एक जो ये वाला
फाई कैप ये क्या है, आपने ये जो आर लिया है इसके आप शेडो बनाओगे अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, और इस फाई जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो जो एंगल है वो फाई है, और वो जो वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो वो बेसिकली परपेंडिकुलर, अगर आर अगर आप ऐसे ले रहे हैं, अगर आर ऐसे ले रहे हैं, थीटा ऐसे ले रहे हैं, तो फाई हमारा ऐसे होगा, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, राइट। जैसे x, y, z तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे ही स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो अगर आपको जैसे अगर मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना चाहूँ r वेक्टर को, तो सिंपली लिख दूंगी r इंटू आर कैप। लेकिन इस चीज इस पोजिशन वैक्टर को अगर मुझे, ये जो पोजिशन वैक्टर है आर इंटू आर कैप लिख दिया, लेकिन इसी पोजिशन वैक्टर को अगर मुझे अपने कार्टेशियन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, देखो ये आर है, इसकी शेडो अगर आप यहाँ बनाओगे, पहले तो ये थीटा है, तो अगर ये आर है तो अलोंग इसके डायरेक्शन, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। तो जो दूसरी जो परपेंडिकुलर शेडो होगी वो क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा, तो ये शेडो हो गई। बट ये जो शेडो है ये भी एक्स और वाई के साथ कुछ एंगल है, और वो एंगल क्या है, फाई। तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स के साथ उसका एंगल फाई है, तो आर साइन थीटा इंटू इस चीज का कॉस थीटा, कॉस वाला कॉम्पोनेंट तो कॉस फाई। इसी तरह वाई क्या हो जाएगा, आर साइन, क्योंकि वो परपेंडिकुलर, तो आर साइन थीटा साइन फाई। तो ये यहाँ पे कन्वर्जन कर लोगे आप यूनिट वेक्टर्स का, अगर आपको यूनिट वेक्टर्स का कन्वर्जन करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स कैप वाई कैप, तो ये आप और आर वाली जो चीज है उसको आप डिवाइड कर दोगे तो वो कैप वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हो गया, और जेड हमने डिस्कस कर लिया, आर कॉस थीटा है, तो ये आर कंप्लीटली बाहर निकाल लोगे तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला फॉर आर कैप। इसी तरह थीटा कैप और फाई कैप भी आप निकाल सकते हैं, ये हम ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं क्लास में, ठीक है। आर कैप, फाई कैप और थीटा कैप और फाई कैप के ये फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अभी ये जो हमने पढ़ा है इसी से, देखो अभी तक हमने पढ़ा पोजीशन क्या होती है, पोजीशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट फ्रेम, पोलर कोऑर्डिनेट फ्रेम, सिलेंडर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट फ्रेम लिया था तो ये पोजीशन डिस्क्राइब करी थी ना हमने, अगर मैंने वो लिया है तो ये डिस्क्राइब करी है। और अगर मैंने ये हमारा क्या हो गया कार्टेशियन के लिए, ये हो गया सिलेंड्रिकल के लिए, और पोलर के लिए तो सिंपल था आर आर कैप, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट फ्रेम, स्फेरिकल पोलर, ये है अभी तक हम पोजीशन डिस्कस कर रहे थे। अब हम करेंगे वेलोसिटी, तो अब वेलोसिटी लेते हैं तो आप कार्टेशियन में ये लेते हैं। अब देखो इसी कार्टेशियन को आप अगर कन्वर्जन्स करेंगे, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप की वैल्यूज पुट करेंगे, बेसिकली इसको हम ये लिख सकते हैं पोलर, प्लेन पोलर, ठीक है। इसको लिख दो आप प्लेन पोलर। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक अगर मैं सर्कल बना दूँ, सर्कल बना दो और x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा ले लेते हैं और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा ले लेते हैं, तो वो जो सिचुएशन होती है वो ये सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। उसको अगर आप वेलोसिटी को लिखेंगे तो वो आप इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। वो जो थीटा है हमने फाई लिख रखा है और r जो है वो s लिख रखा है, ये वो वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कई जगह दिख जाएगा, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड होता है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूँ तो अंडर रूट एस कैप स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर फाई ऐसे आपको मिल जाएगा, जिसको आप ऐसे पढ़ते होंगे कहीं जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर, ठीक है। ये ग्रेविटी में भी यूज होता है, ग्रेविटी वाले चैप्टर में हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लेन पोलर आप लिख दो, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम लेते हैं तो आप ये ले लोगे, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ये मिलेगा आपको वेलोसिटी, और ऑफकोर्स इसकी जो मैग्नीट्यूड, अगर स्पीड निकालना चाहते हो तो आप मैग्नीट्यूड निकाल दो, ठीक है। इधर से अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डॉट, ठीक है। इसी तरह एक्सेलरेशन की बात करें तो कार्टेशियन में डबल डॉट लगा दिया, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में करेंगे तो ये हो जाएगा, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में करेंगे ये कैसे आया, ये ऑलरेडी हम पूरी क्लास में डिस्कस, हमने क्लास में डिटेल्स में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट फ्रेम में,